उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। राजनीतिक पार्टियों में सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों से लोग राष्ट्रीय पार्टियों में सदस्यता ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी में भी लोग सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुरादाबाद के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों से छोड़कर आए सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मंगलवार को कांग्रेस के जिला कार्यालय पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों से छोड़कर आए नेताओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई, जहां पर जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बा ने सभी को फूलमालाएं पहनाने के साथ उनका स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर फिरोज अख्तर चौहान ने बताया कि अब वह कांग्रेस के लिए दिलोजान से काम करेंगे और आने वाला समय भी कांग्रेस का है। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस साइड में शामिल हुए। कैसे पार्टी को आप जोड़ेंगे, आप वोट लोगे? हमारे परिवार का मुरादाबाद की सियासत से बहुत पुराना संबंध है। मेरे दादा हैं वो हाजी गुलाम मोहम्मद, वो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से 5 बार सांसद रहे हैं। मेरी दादी के भाई मेरे परिवार से हैं और AIMM में जिले का उपाध्यक्ष था। लेकिन ये कि कांग्रेस आई, मैंने जो ज्वाइन की उसकी वजह यही रहे कि जो 70 साल से कांग्रेस आई ने भारत को दिया, जितना कुछ बनाया हिंदुस्तान के लिए, वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो ग्राफ जितनी तेज़ी से कांग्रेस आई के दौर में बढ़ा है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, उतना योगदान किसी भी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहा कांग्रेस के अलावा। अब कुछ पार्टी हैं ऐसी और सत्ता में जो हमारी पार्टी है इस समय, तो वो तो जग जाहिर है कि वो घटाने का ही काम कर रहे हैं। जो भी कुछ 70 साल में कांग्रेस आई ने बनाया है वो उसको बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विभाग बिक गए और ऐसे हाथों में चले गए कि हिंदुस्तान अब कुछ हाथों में ही सिमट करके रह गया है। हमें उन हाथों से वापस हिंदुस्तान को लेना है, इसलिए हम कांग्रेस आई में शामिल हुए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वापस जो हिंदुस्तान कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में चला गया है जो कि हिंदुस्तान का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जा रहा है, हमें वापस जो है कांग्रेस आई को सौंपना है। सम्मान समारोह के बारे में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद गुम्बा ने बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। मुरादाबाद में लगातार कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में सामने आ रही है। सभी लोग कांग्रेस में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और आज भारी संख्या में लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है, हमारे वीर बजरंगी का दिन है। डॉक्टर फिरोज अख्तर चौहान किसी नाम के मोहताज नहीं है और बहुत अच्छा साफ सुंदर स्वच्छ छवि वाले डॉक्टर फिरोज अख्तर चौहान पहले AIM में जिले के उपाध्यक्ष थे, 4-5 जिलों के प्रभारी भी रहे हैं और पार्टी जो इस प्रकार धरने प्रदर्शन जनहित में जो मुद्दा उठा रही है उससे प्रसन्न होकर पिछले 1 महीने से हमारी आपसे बातचीत चल रही है। तो परसों हम इनके निवास स्थान पर गए थे तो आज इन्होंने 15 साथियों सहित पार्टी ज्वाइन करी है। मैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस परिवार में शामिल होने से मैं फिरोज अख्तर चौहान व उनके साथियों का, हमारा भतीजा भी इसमें शामिल हुआ है आपके नेतृत्व में, तो मुझे ताकत मिलेगी। मैंने कहा इनके आने से मुझे ताकत मिलेगी, जिले को ताकत मिलेगी और जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वो क्षेत्र देहात शहर और कुंदर की विधानसभा तीनों को जोड़ता है।
और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी और इनकी जो पहुंच है, जो संबंध है इनके, ये भी किसी के नाम के मुताबिक नहीं है। पूर्व एमपी गुलाम मोहम्मद साहब जो 6 बार 7 बार के एमपी रहे हैं जनता दल से, आप उनके मतलब परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आ गए, कम से कम 1 महीना मुझे इनके घर के चक्कर लगाने पड़े, प्रयास किया है तो ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और इनके आने से हमारा कांग्रेस परिवार मजबूत होगा। और इसी आशा के साथ मैं फिरोज अख्तर जी से इनके साथियों को एक विनती करता हूँ, कहीं पर आप नर्वस मत होना, क्योंकि नई पार्टी में आप आ रहे हो सकता है कहीं आपको देखिए कि कार्यकर्ता मान सम्मान में, जो मान सम्मान आपको इसमें परिवार में मिलेगा उतना मान सम्मान किसी में नहीं मिलेगा।